आंसर बोलोगे उसका मेरे को रीजन भी देना। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपको वो क्यों लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक ग्रेट आर ग्रेटर देन 0.4। हाँ नीलेश बताओ क्या बोल रहे हो। रीजन नीलेश आपको लग रहा है ए ग्रेट ए ए ठीक है। नो सर, आई थिंक सी सी ओके बाय। सर सी, क्योंकि सर तो फाइव है फाइव। हाँ ओके देखो उसमें फाइव है तो उसे क्या मीनिंग समझ में आया। सर, 5/10 डिवीजन होला सर, इस सर डिवीजन करेगा सर, 0.5 आएगा। 0.5 आएगा। वेरी गुड। सो 5/10 तो 0.5 के बराबर है। और यस क्या 0.5 0.4 से बड़ा है। यस सर हाँ ये इससे ग्रेटर यस है। तो दैट मींस हाँ सी जो है सर वो ग्रेटर है। तो हम सी को तो सिलेक्ट करेंगे। अब सर ए पे देखो ए का जो वैल्यू दिखाया है वो कितना दिखाया है। ये जो ये पॉइंट है सर 1 2 3 4 और 4 का आधा, 4 और 5 के बीच में पांच कहाँ लिखा है। हाँ नहीं सर, वो पॉइंट क्या पॉइंट। डिसेंबर ये जो जो ए दिखाया हुआ है उसका क्या वैल्यू है ए का इस पिक्चर में। जो ये ए हमने हमें दिखाया है नंबर लाइन पे उसका वैल्यू क्या है। 0 इधर 1 इधर। अच्छा शाबाश 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 ठीक लगा सोच रहे हो। हाँ बोलो देरी काम करते बोलो बोलो शाबाश। जीरो 0 और 1 के बीच में ये 0 है यहाँ पे 0 है ये 0 है और ये 1 है। और इनके बीच में जो गैप है या डिफरेंस है उसको कितने हिस्सों में बांटा है। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं 9 तो लाइनें हैं लेकिन हिस्से कितने हो गए। एक एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ और फिर ये 10 भी हो गए ना। टोटल तो 10 हिस्से हो गए। सर देखो ये एक हिस्सा ये दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ 10। तो ये 0 सर 0 सर 1 का मतलब 0.4। नहीं पहले मुझे बताओ इस एक ये जो एक का डिफरेंस है यहां से यहां तक यस इसकी क्या वैल्यू है। सर ये हाँ एक 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 की एक इन मतलब सभी ये जो सभी छोटे हिस्से हैं इतने इतने यस इनका क्या वैल्यू है क्या कीमत है। सर 0 से 1 के बीच में सर बताना नहीं 0 से 1 के बीच में 10 हिस्से किए तो हर हिस्से का मैं पूछ रहा हूं हर हिस्से का क्या वैल्यू मिला। क्या वैल्यू मिला। हाँ भाई अगर आपने 0 से 1 के बीच में आपने उसके 10 टुकड़े किए तो बीच में एक ये सारे तो एक एक टुकड़ा है ना ये 10 टुकड़े जो हो गए सर तो एक टुकड़े का क्या वैल्यू है। शाबाश कलम भाई 0 से 1 के बीच में क्या फर्क पड़ा डिफरेंस क्या है। एक का एक को आपने 10 हिस्सों में डिवाइड किया तो उसका वैल्यू हो गया 1/10। या उसको अगर डेसिमल फॉर्म में लिखे तो वी कैन राइट 0.1। दैट मींस ये जी जो जो ये गैप है यहां से यहां तक
दिस इज 0.1, फिर यहां से यहां चले गए तो 0.2, वैसे ये 0.3, ये 0.4, तो 0.4 तो ये वाला है, और जो हमारा ब्लू डॉट है जो ए है वो इससे कम है या ज्यादा है? सर कम। तो ये समझने वाली बात है कि ये ए जो है ये तो ये वाले इस पॉइंट से, ये पॉइंट की वैल्यू तो 0.4 है और इससे ये कम है, लेकिन हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0.4। इसका मतलब है ए तो नहीं हो सकता है आंसर। बी। अब बी देखो, बी फोर टेंस, फोर टेंस का वैल्यू कितना हुआ? चार अपॉन टेन। नहीं, चार अपॉन टेन कहाँ लिखा है? फोर टेंथ थोड़ा ना लिखा है। अगर लिखा होता टेंथ, TENTH, अगर फोर टेंथ लिखा होता तब आपकी बात सही थी कि चार गुना टेंथ, तो वो तो फोर अपॉन टेन हो जाता। तो यहाँ पे टेंथ दसवां हिस्सा नहीं लिखा है, यहाँ दशक लिखा है, इकाई दहाई, ये चार दहाई है। चार दहाई कितने होते हैं? फोर टेंस किसके बराबर होता है? फोर को दहाई से मल्टीप्लाई करो तो 40 के बराबर। सर ये यस सर। हाँ, तो दैट मींस फोर टेंस का जो वैल्यू है वो भी 0.4 से ग्रेटर है, इसलिए ये भी आंसर है, बी भी आंसर है और सी भी आंसर है, ये दोनों करेक्ट आंसर है। ए तो छोटा है, वो तो 0.4 से कम है। तो अब हम इसको चेक को बटन दबाएंगे और हमें आंसर मिलेगा। समझ में आया? तो ये ऐसे होमवर्क करना चाहिए, उससे खुद आदमी, उससे फायदा क्या है, उससे आदमी खुद दिमाग लगाता है, कोशिश करता है। अब आज हम करेंगे ऑर्डर डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, यानी कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने उनको ऑर्डर करना है, किनको? आपके अलग अलग, जैसे यहाँ पे ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है और यहाँ आपको इसको आपने डेसिमल में बनाया तो ये 0.4 से कम है। तो यही सिमिलर ऐसी एक्सरसाइज है जो आप कर रहे हो, वैसी एक्सरसाइज है इसमें, लेकिन डेसिमल और फ्रैक्शंस डिफरेंट फॉर्म्स में आपको दिए हुए हैं। ऑर्डर डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस ये किया था हमने लास्ट टाइम, कुछ कुछ किए थे हमने सवाल। Yes, अब हाँ, अब ये कह रहा है ऑर्डर द फॉलोइंग फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। लीस्ट टू ग्रेटेस्ट क्या होता है? छोटे से बड़ा। हाँ, क्योंकि लीस्ट होता है सबसे छोटा, सर पहले छोटा फिर बड़ा। हाँ, तो अब देखो इन ये तीन दिए हुए हैं। पहला जो है वो पिक्चर की शक्ल में दिया, यानी कि ये पूरा जो है, और आप ब्रैकेट में लिखा है ईच बिग स्क्वायर रिप्रेजेंट्स वन होल, यानी कि ये जो पूरा एक बड़ा स्क्वायर है ये किसके बराबर है? वन के बराबर है। और इस वन में से ये जो हिस्सा है ये वाला, वो आपने नीला कलर की है, तो पहले वो बताओ वो क्या हिस्सा है, उसका क्या वैल्यू है? फिर 1300th का वैल्यू देखो, और फिर 0.03 देखो। तो फिर इन तीनों में से जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे लेफ्ट में लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब पहला वाला देखो, जो पिक्चर बनाई हुई है उसका क्या वैल्यू है इस वाले का? यानी कि ये एक से कम है, क्योंकि ये बड़ा स्क्वायर तो एक है, और इस अगर तो इस पूरे में हम कलर करते तो ये वन हो जाता, लेकिन हमने जो ब्लू कलर किया है वो कुछ हिस्से में किया है, सिर्फ इतने निचले वाले हिस्से में किया इतना। तो पहले मुझे बताओ ये निचला हिस्सा क्या फ्रैक्शन है, इसका क्या वैल्यू है, कौन बताएगा? लगता धोने। हाँ बताओ नीलेश।
ओके पहले देखते हैं हम बड़े जब हम लिखते हैं 3/10 तो जो निचला नंबर होता है डिनोमिनेटर में ये हमें बताता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो पहले हम देखते हैं कितने हिस्सों में हमने इसको बांटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वेरी गुड। और उन 10 हिस्सों में से हम केवल 3 हिस्सों की बात कर रहे हैं जो ब्लू कलर है वो तो केवल 3 है ये वाले। सो इस ब्लू जो ब्लू वाला हिस्सा है ये पूरे का क्या फ्रैक्शन है 3/10 यानी कि इसका जो वैल्यू है वो है 3/10। और दूसरा क्या है ये कौन बताएगा 1/300th। अब बताओ रमित 100th इसमें देखो TH भी लिखा हुआ है TH का क्या मीनिंग हुआ 100th फिर लास्ट में TH है TH का मतलब है सौवां हिस्सा। और ऐसे कितने हिस्से 13 तो इसका वैल्यू क्या होगा 13 × 1/100 तो वो कितना हो गया 13। अब आपके पास तीनों का वैल्यू मिल गया पहला वैल्यू है 3/10 दूसरा है 13/100 और तीसरा है 0.03। अब इन तीन नंबर को आपस में हमने देखना है सबसे छोटा क्या है यानी कि इनकी आपस में हमने आपस में तुलना करना है क्या करना है कंपैरिजन करना है तुलना करना है। तो तुलना करने के लिए क्या हमें होना चाहिए या तो हमें अगर फ्रैक्शन फॉर्म है तो तीनों को फ्रैक्शन फॉर्म में करो या तीनों को डेसिमल फॉर्म में करो तो अब आपको एकदम दिखाई देगा कौन सा सबसे छोटा है। अगर तीनों को डेसिमल फॉर्म में करें लास्ट वाला तो ऑलरेडी डेसिमल में है सेकंड वाला को डेसिमल में लिखो क्या होगा 0.13 पॉइंट के बाद 13 नहीं बोलते हैं 0.13। पहला वाला सर 0.3 साल पहले छोटा तो सबसे छोटा कौन सा है 0.3 सबसे छोटा कैसे है 3 का मतलब 0.03 क्योंकि आपको अगर आपने तुलना करना है तो हमने तुलना कैसे किया था कि सबसे जो बड़ा प्लेस वैल्यू है पहले उसको देखना चाहिए सबसे बड़ा प्लेस वैल्यू इन तीनों में कौन सा है वो इकाई का स्थान है वंस का लेकिन वंस के स्थान पे यहाँ भी जीरो है यहाँ भी जीरो है यहाँ भी जीरो है इसलिए हमें उससे कोई पता नहीं चलेगा। फिर हम देखेंगे दसवां हिस्सा सॉरी टेंथ में यहाँ 3 है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है सो सबसे छोटा कौन सा होगा 0.03 उसके बाद 0.13 उसके बाद 0.3। तो अब हमको पता चल गया कि ये सबसे छोटा है तो इसको मैं यहां से खींच के इसको सबसे यहां लाऊंगा। उसके बाद हमें कौन सा था 30 ये ठीक है या अभी चेंज करना है ये था 0.03 ये था 0.013 और ये था तीसरा वाला नहीं गलत किया तुमने ये वाला था 0 ये था 0.3 और ये था 0.13 डेसिमल के बाद उनको जोड़ के नहीं पढ़ते 13 नहीं पढ़ते 13 अलग अलग पढ़ते तो ये इसके बाद तो ये है यानी कि इसको मैं इनके बीच में लाऊंगा यानी कि इसको
इसके बीच में, अब ये ठीक लग रहा है, ये सबसे छोटा है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, 0.03, 0.13, 0.3। तो अब ये हमें पता चलेगा ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है। जो नंबर बड़ा है उसके सामने दो बिंदु लगाओ, जो छोटा है उसके आगे एक, और इनको जोड़ो, तो ऐसे निशान ठीक लगा पाओगे। ठीक है, अब फिर से बताओ। अब ये देखो, अब इसमें, अब जैसे ये हमने होमवर्क दिया था वैसे ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रेटर देन, यानी कि 1.27 से बड़ा कौन कौन सा नंबर है, ए बी सी। शाबाश, बताओ जल्दी से। पहले ए को देखो, ए की वैल्यू कहाँ है, एक और दो के बीच में, फिर से एक और दो के बीच में 10 हिस्से किए, यानी कि 0.1 का हर एक हिस्सा 0.1 है, यानी कि अगर यहां से मैं यहां जाऊं तो ये वाला हिस्सा, इसका इस हिस्से का क्या वैल्यू बन गया इस मार्क का, 0.01। अरे ये बच्चों को चुप कराओ, ये हो गया 1 और ये बन गया 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6। तो A किस नंबर पे है? 1.6 पे। तो 1.6 जो है 1.2 से बड़ा है या छोटा है? तो छोटा है। कैसे छोटा है? बड़ा है। ये सोच के जवाब देने बेटे, ऐसे थोड़ा ना मैं बोलूंगा क्यों, फिर आप बोलोगे बड़ा है। ये 1.6 है, दूसरा है 1.27। तो पहले वंस की प्लेस देखो, वंस की प्लेस में दोनों सेम नंबर है, फिर टेंथ की प्लेस देखो, इसमें 6 है, इसमें तो 2 ही है, यहाँ बेशक 7 है, वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले ही दसवें हिस्से पे यहाँ पे 6 है, यहाँ दसवें हिस्से पे 2 है, तो इसका मतलब 1.6 तो बड़ा है और आपको आंसर देना है ग्रेटर देन, तो इसका मतलब ए तो बड़ा है। अब बी और सी देखो, बी का वैल्यू बताओ क्या होगा, कौन बताएगा? सर बी। बी का वैल्यू बताओ पहले मेरे को, क्या लिखा हुआ है? सर 1 and 7, 700। हाँ, उसका क्या वैल्यू हो गया सर? 1.7। नहीं, 1 तो ठीक है, ये तो 1 हो गया, 700 का वैल्यू क्या होगा, फिर उसमें 1 में जोड़ो, वैसे ही नहीं जवाब दे दो। 2, 0 and 7। हाँ, 2, 0 कैसे होगा, 700 कॉपी में साथ साथ में लिखा करो और उसको सोच के फिर जवाब दो। 100th, 7 multiply by 100th क्या होता है, वो बन गया 7/100, वो बन गया 0.07। 2, 0 कहाँ हो गया, 1, 0 हो गया, 0.07 हो गया 7/100, और साथ में यहाँ 1 दिया हुआ है, यानी कि ये बन गया 1.07, क्योंकि ये 700th का हमने देखा वैल्यू था 0.07, यहां लिखा है 1 and, तो आपको 1 के साथ जोड़ना है, तो ये नंबर मिल गया।
अब सी का वैल्यू बताओ। हाँ ये तो छोटा हो गया, पहले सी का वैल्यू बताओ। 27। क्या 27 सर? सर 0.27। अब ये 27 टेंथ का क्या मतलब हुआ? 27 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? सर 10 से। 10th को कैसे लिखोगे? सर 10। ये इसका क्या वैल्यू हो गया? सर 27/10। वेरी गुड। और 27/10 को अगर डेसिमल में लिखोगे वो कितना बनेगा? सर 0.27। नहीं, हमने क्या सीखा? जब फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखते हैं, हम देखते हैं नीचे कितने जीरो है। नीचे तो 10 है, तो कहाँ पे डेसिमल लगेगा? सर 1 0। सर 2.7। हाँ, तो पहले हम इस 27 को लिखेंगे, फिर राइट से लेफ्ट जाएंगे, और कितनी प्लेसेस जाएंगे? क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 1 0 है, तो एक प्लेस पे जाएंगे। Yes, तो आंसर आ गया 2.7। दैट मीन्स ये जो सी है इसका वैल्यू है 2.7, बी का है 1.07 और ए का है 1.6। अब देखो, अब आराम से आपको पता चलेगा। अब कौन से दो करेक्ट आंसर हैं? सर ए और सी होगा। क्यों हमारे को क्या निकालना है? 1.27 से बड़े कौन से नंबर हैं? एक तो 1.6 है यानी कि ए, 1.07 तो छोटा है इससे, इसलिए ये नहीं होगा, और सी जो है वो 2.7 है यानी कि सी भी होगा। सो ए एंड सी, समझ आ गया? यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये खुद करो आप। ऑर्डर द फॉलोइंग से कॉपी में वैल्यू फॉर लीस्ट टू ग्रेड। तो ये करके मेरे को अभी भेजो। अभी वन टू थ्री और नीचे क्या लिखा हुआ? नीचे लिखा है ईच बिग स्क्वायर रिप्रेजेंट्स वन होल, यानी कि जो बड़ा स्क्वायर है, एक तो बड़ा स्क्वायर ये और दूसरा बड़ा स्क्वायर ये, अब पहले ऑप्शन में ये जो पहला ऑप्शन है इसमें ये दोनों मिला के, क्योंकि देखो अगर मैं इसको हिलाऊंगा ये दोनों इकट्ठे हिलेंगे, ये देखो दोनों है, तो इन दोनों का वैल्यू निकालना है, तो ये एक प्रकार से मिक्स्ड नंबर हो गया। ये दोनों मिला के क्या होगा? ये तो होल नंबर है और ये फ्रैक्शन है, इनको आप उसमें ऐड करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। तो आपको देखना है वो नंबर इस नंबर से बड़ा है या इस नंबर से बड़ा है, और इनको फिर आपने लीस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज करना है। अभी आप ऐसा करो, अभी कॉपी में अभी सॉल्व करो, और इनका कुछ भी नीचे इनका, जैसे ये वाला है तो इसका वैल्यू लिखो नीचे, ये वाला नंबर है इसका वैल्यू नीचे लिखो, और ये है इसका वैल्यू नीचे लिखो। तीनों को बेशक डेसिमल फॉर्म में लिखो, फिर आपको एकदम पता चलेगा सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है। यहाँ पे मैं ये रिकॉर्डिंग करता हूँ।
ठीक है।